एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर। एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले कल 18 अप्रैल से प्रदेश में 52 जिलों के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल पर रहेंगे, क्योंकि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी 2013 से लगातार अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा एक बार भी आश्वासन दिया जाता है हर बार, लेकिन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। 2018 में भी 42 दिन की हड़ताल की गई थी। उस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा खुद स्वीकार किया गया था कि संविदा एक शोषित प्रथा है जिसे मैं जल्द समाप्त कर दूंगा। 5 जून 2018 को सामान प्रशासन विभाग द्वारा एक नीति भी बनाई गई थी। रेगुलर कर्मचारियों के समकक्ष जिला स्वास्थ्य का समिति एवं राज्य स्वास्थ्य समिति के कर्मचारियों को 90% वेतनमान दिया जाए, लेकिन कई विभागों के कर्मचारियों पर ये नीति लागू कर दी गई थी। 15 दिसंबर 2022 से 3 जनवरी तक अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई थी। अभी हाल ही में उस दौरान स्वास्थ्य मंत्री एवं विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के मध्यस्थता के चलते बैठक की गई थी। उस दौरान एक माह के भीतर मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 3 माह से अधिक समय हो चुका है, कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया है, जिससे प्रदेश के 32,000 कर्मचारियों में लगातार आक्रोश व्यक्त हो रहा है। ये हैं इनकी प्रमुख मांगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा अधिकारी एवं कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर विभाग में रिक्त पदों पर समायोजन किया जाए। अन्य कर्मचारियों को 1.5 जून 2018 की नीति के अनुसार रेगुलर कर्मचारियों के समकक्ष 90% वेतनमान तत्काल लागू किया जाए एवं CHO कैंडर को MLHP कैंडर के तहत नियमित किया जाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से हटाकर आउट छूटेगा। प्रथमा किए गए सपोर्ट स्टाफ कर्मचारियों को पुनः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में मर्ज किया जाए अथवा विभाग में रिक्त पद पर समायोजित किया जाए एवं निष्कासित कर्मचारियों को 100% वापस लिया जाए। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से इन स्वास्थ्य सेवाओं का आम जनता पर पड़ेगा असर। वैक्सीनेशन पूरी तरह से प्रभावित रहेगा। डॉट्स सेवा केंद्र पूरी तरह से बंद रहेंगे। RBS के प्रोग्राम पूरी तरह से बंद रहेंगे। शहरी क्षेत्र के शहरी स्वास्थ्य केंद्र बंद रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के सभी उप स्वास्थ्य केंद्र बंद रहेंगे। जिले में संचालित सभी पोषण पुनर्वास केंद्र बंद रहेंगे, जिससे कुपोषित बच्चों का उपचार नहीं हो सकेगा। संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। संविदा संघ द्वारा आप लोग यहाँ हड़ताल कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके और क्या मांगे हैं आपकी, क्या उद्देश्य को लेकर यह हड़ताल की जा रही है? 2018 में सभी लोगों ने हड़ताल की थी। जो 5 जून 2018 की नीति अभी तक लागू नहीं की गई है, जो कि बार बार हड़ताल करते हैं, आश्वासन पे आश्वासन देती जाती है सरकार, जो नहीं करनी चाहिए। हम लोग बहुत टाइम से 15-15 साल भी हो चुके हैं हम लोगों को जॉब करते हुए, जबकि अभी तक उन्होंने कोई भी सुनवाई नहीं की है। बस सिर्फ आश्वासन आश्वासन दे के ही हम लोगों को उठा दिया जाता है और कुछ भी नहीं मिला हम लोगों को अभी तक। तो अब जो आपने आज ये जो हड़ताल चालू की है, क्या माना जाए कि ये हड़ताल क्या अनिश्चितकालीन तक चलेगी जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होगी, या बीच में आप आश्वासन पर फिर उठ जाएंगे? मतलब आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए, जब तक आपकी मांगे जायज मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक आप इसी प्रकार से हड़ताल जारी रखेंगे और भूख हड़ताल करते रहेंगे।